नमस्कार, रिलायंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर महागठबंधन में असमंजस वाली स्थिति अभी तक बनी हुई है। बता दें कि बीते विधानसभा को देखा जाए, जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया गया था, एक जो सीट है वो कांग्रेस को, एक सीट जो राजद खुद अपने पास रखी थी, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। इस बार परिस्थिति जो है, स्थिति कुछ और बता रही है। जो लगातार खबरें आपको दिखा रहे हैं कि राजद के नेताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही थी कि दोनों सीटों पर, यानी कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर जो है वो राजद ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि कुशेश्वर स्थान हमारा था, हम बहुत कम वोटों से हारे थे, इसलिए इस बार भी हमारा ही होना चाहिए। और उसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, उनसे बिहार प्रभारी भक्तचंद दास और कई बड़े नेताओं ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद क्या कुछ हुआ है वो अभी तक तो सामने नहीं आया है, मीडिया में इन बातों को नहीं रखा गया है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने एक बड़ी चाल जो है वो चली है। बता दें कि जिस तरीके से बातें कही जा रही थी कि दो सीट पर राजद ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए, कहे तो महागठबंधन के लिए दोनों सीट जीतना बहुत जरूरी है। बाय इलेक्शन भी दावा किया जाता है तेजस्वी यादव तरफ से कि हम लोग कभी हारते नहीं है। लेकिन इस बार क्योंकि सीधे तौर पे मुकाबला जेडीयू से है, सिटिंग एमएलए रहे हैं जेडीयू के, मुकाबला जेडीयू से है और ऑलरेडी जेडीयू की जो संख्या है वो कम है, ऐसे में लगातार महागठबंधन और तेजस्वी यादव की तरफ से कोशिश की जा रही है कि दोनों सीट किसी भी हाल में वो मेरे पक्ष में होनी चाहिए, यानी कि दोनों सीट हमें जीतना ही होगा। लेकिन जीतेंगे कैसे, इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों सीट जो है, आरजेडी के नेताओं की बात की जाए कि दोनों सीट राजद चुनाव लड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि हम लोग दोनों सीट जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने 4 सदस्यीय टीम जो है वो गठित कर दिया है, जो टीम जाएगी और दोनों जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकात करेगी, जो अपने कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, जो दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो उम्मीदवार होंगे उनसे मुलाकात करेगी, सर्वे करेगी, कहा जाए तो ग्राउंड रिपोर्ट जाकर रिपोर्ट करेगी कि क्या कुछ स्थिति है, क्या हम लड़ेंगे तो हमारी स्थिति क्या रहेगी। अगर कुशेश्वर स्थान लड़ते हैं, तारापुर लड़ते हैं तो मेरी स्थिति क्या है, हकीकत क्या है, हकीकत से अपने आलाकमान को रूबरू कराएंगे, उसके बाद जो है वो फैसला लिया जाएगा। लेकिन बता दें कि 4 सदस्यीय टीम में जो जिन लोगों का नाम आया है सामने, उसमें आईपी गुप्ता है, आनंद माधव है, कैसर खान है, अजय पासवान भी इसमें शामिल है। तो दिल्ली से शुक्रवार को बिहार के लिए रवाना होगी और दोनों सीटों पर जाकर सर्वे करेगी और अपने आलाकमान को इस बारे में जानकारी देगी क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, कितनी मजबूत है, क्या कुछ करने का बदलाव है, बदलाव करने की जरूरत है, तमाम बातों पर जो टीम बनाई गई है जाकर सर्वे करेगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव से कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात हुई, कहा जा रहा था कि दोनों सीट लगभग तय माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ही लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास अगर सीटें गई तो रिस्क नहीं ले सकते हैं, रिस्क भरा वह है कि कांग्रेस को सीट देंगे तो हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल पूरी उम्मीद और भरोसा के साथ है कि अगर दोनों सीट हम लड़ेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीटों पर विजय होगी। लेकिन जो खबर है कि कांग्रेस आलाकमान ने 4 सदस्यीय टीम बना दी है, जो टीम जाकर सर्वे ग्राउंड रिपोर्ट को देखेगी क्या कुछ हकीकत है, अपने आलाकमान को इस बारे में जानकारी देगी और क्या कुछ अपडेट होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते हैं, नमस्कार।